अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को हराने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उम्मीद जताई कि वो अमेठी की जनता के भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करेंगी। स्मृति ईरानी ने दावा किया कि अमेठी में पीएम मोदी और सीएम योगी के काम की वजह से लोगों ने बीजेपी को जिताया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योगी जी ने जो काम किया, इन दोनों के समन्वय से आज कमल का फूल अमेठी में खिल पाया है। इसलिए अमेठी में तो सीधे कांटे की टक्कर की लड़ाई हुई, सीधा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। खुशी है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर और भाजपा के संगठन पर राहुल गांधी जी ने इतना विश्वास व्यक्त किया कि वो आश्वस्त हैं कि हम अमेठी की देखभाल करेंगे। यही विश्वास अमेठी ने भी आज अपने वोट के माध्यम से दिया। मैं अमेठी की जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। 5 साल हारने के बाद रही, अब जीतने के बाद 5 साल उनकी सेवा करूंगी। लोकसभा चुनाव में मिली भारी जीत से उत्साहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में पूजा की। सीट के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में एनडीए ने मोदी लहर पर सवार होकर एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन को चारों खाने चित कर दिया, जिससे गदगद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बजरंगबली की पूजा की। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले सीएम योगी ने प्लास्टिक की एक टोकरी को छुआ, जिसमें मिठाई और फूलों की माला थी। सीएम योगी की छूने के बाद मंदिर के पुजारी ने टोकरी में रखे फूलों की माला को हनुमान जी की मूर्ति को पहना दिया। इसी बीच वहां मौजूद एक दूसरे पुजारी ने सीएम योगी को टीका लगाया। बाद में सीएम योगी के गले में मंदिर के पुजारी ने लाल रंग की चुनरी डाल दी। हनुमान सेतु मंदिर में सीएम योगी के साथ कई और लोग भी मौजूद थे, जिनके गले में भी मंदिर के पुजारी ने चुनरी पहनाई। इसके बाद सीएम योगी हाथ जोड़े मंदिर से बाहर निकल आए। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बीजेपी की भारी जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को और सीखने की नसीहत दी। ये मोदी जी की और उनकी पूरी टीम की ये मेहनत है। पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि कोई भी सरकार जो बनी जिसको 50% के ऊपर वोट मिले हैं। राहुल गांधी आगे कहा था कि राहुल गांधी को बहुत कुछ सीखने के भी जरूरत है। अब ये इसी से सिद्ध हो गया कि लोगों ने बता दिया कि उनको सीखना है, वो सीखेंगे। और मैं चाहूंगी कि इस हार को स्वीकार करते हुए वो एक अच्छे विपक्ष की भूमिका ये सभी लोग निभाए। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले लोगों के भारी समर्थन के बाद दावा किया कि अब जनता ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर बीजेपी को वोट दिया है। पीएम ने कहा कि अब देश में केवल दो जातियां हैं, एक गरीब और दूसरी गरीबी को हटाने वाली। अब इस देश में सिर्फ दो जाति बचे, दो जाति ही रहने वाली और देश इन दो जाति पर ही केंद्रित होने वाला है। ये जाति के नाम पर खेल खेलने वाले लोगों को ये बहुत बड़ा प्रहार इस चुनाव में हुआ है। और दो जाति है कौन सी, अब 21वीं सदी में भारत में एक जाति है गरीब, भारत की एक जाति है गरीब और दूसरी जाति है देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान देने वालों। एक वो है जो गरीबी से बाहर आना चाहते हैं, दूसरे वो है जो देश को गरीबी से मुक्त कराना चाहते हैं। ये दो ही जाति और इसलिए हमें 21वीं सदी में इन दोनों को सशक्त करना है। जो गरीबी से बाहर जिसको लाना है उसको भी सशक्त करना है और गरीबी से बाहर लाने में जो बढ़ चढ़ करके मदद कर रहा है उसको भी ताकतवर बनाना है। ये दो शक्तियां इस देश पर गरीबी के कलंक को मिटा सकती। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद न्यूज 18 इंडिया ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल है। तमाम राजनीतिक दलों के दफ्तर हो या मतगणना स्थल पर बने मीडिया सेंटर का स्क्रीन हो या फिर मोबाइल फोन, हर जगह न्यूज 18 इंडिया ही छाया रहा।
क्योंकि न्यूज 18 इंडिया पर लोगों को चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले मिल रही थी। यही वजह थी कि दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में लोग सिर्फ न्यूज 18 इंडिया ही देख रहे थे। वहीं पटना के बीजेपी दफ्तर में भी पार्टी के कार्यकर्ता न्यूज 18 इंडिया से ही जुड़े रहे। पटना साहिब सीट से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के घर पर भी ऐसा ही नजारा दिखा। वहीं बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी अपने पूरे परिवार के साथ न्यूज 18 इंडिया पर ही नजर बनाए हुए थे। इस बीच उन्होंने न्यूज 18 इंडिया की तारीफ भी की। हम लोगों का अनुभव है कि पिछले चुनावों में भी जितनी जल्दी और जितना एक्यूरेट कहते हैं सही और सटीक जानकारी पहले सबसे पहले आप देते हैं, इससे आपकी विश्वसनीयता दर्शकों में बनी रहती है। वहीं रांची के बीजेपी दफ्तर में भी पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं की नजरें न्यूज 18 इंडिया पर ही टिकी हुई थी, ताकि चुनाव के नतीजे से जुड़ी हर खबर उन्हें सबसे पहले मिल सके। वहीं न्यूज 18 इंडिया ने भी दर्शकों की उम्मीदों को बनाए रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और ऐसे सटीक आंकड़े और अपडेट देता रहा कि कोलकाता में टीएमसी दफ्तर में सिर्फ न्यूज 18 इंडिया का ही बोलबाला रहा। जहां दक्षिण कोलकाता सीट से पार्टी प्रत्याशी माला रॉय अपने समर्थकों के साथ न्यूज 18 इंडिया देख रही थी, वहीं जो लोग अपने घर से बाहर थे या टीवी नहीं देख पा रहे थे वो अपने मोबाइल फोन से भी न्यूज 18 इंडिया से जुड़े रहे। वहीं दिल्ली में एक दुकान के अंदर मौजूद लोग न्यूज 18 इंडिया ही देखते नजर आए। राजस्थान के कोटा में बने मतगणना स्थल पर भी लोग न्यूज 18 इंडिया ही देख रहे थे। लोकसभा चुनाव में देश भर में न्यूज 18 इंडिया का ही जलवा रहा। चुनाव नतीजे आने के बाद कैसी बनेगी केंद्र सरकार और कैसा होने वाला है लोकसभा का हाल, ये जानने के लिए आनंद नरसिम्हन ने क्वाड कॉप्टर से संसद भवन का चक्कर लगाया और बताया कि 17वीं लोकसभा के गठन के बाद कभी ना भंग होने वाली राज्यसभा में भी बीजेपी के पास बहुमत रहने वाला है। चलिए वक्त हो चुका है बुलाने का स्टूडियो में न्यूज 18 के क्वाड कॉप्टर को। एलेक्सा का ये क्वाड कॉप्टर ऊपर के लेवल से आएगा, कहते हैं आइए ऊपर देखकर खुल जा सिम। और जैसे ही ये खुला ये उतरा क्वाड कॉप्टर। क्यों कहते हैं इसे हम क्वाड कॉप्टर, आप देखेंगे इसके चार रोटर हैं, एकदम सटीक परफेक्ट लैंडिंग इसकी, मेरे बगल में आकर रुका ये क्वाड कॉप्टर, वॉइस ऑपरेटेड है, कंट्रोल्ड है। चलिए क्वाड कॉप्टर जी आपकी लैंडिंग हो गई, दरवाज़ा खोलिए। खोला अपने दरवाज़ा, मैं गया अंदर। अब कहाँ से मिले इन्हें 10% ज़्यादा वोट शेयर, जिसकी वजह से 282 का 2014 का आंकड़ा पार करके ये 303 तक पहुंच गए, हो गए 300 पार। आइए देखते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, निकलते हैं यहाँ से, ले चलते हैं आपको भारत भ्रमण पर, दिखाते हैं भारत क्यों, भारत का असली चेहरा, भाजपा का चेहरा भारत के ऊपर से 20-30 हजार फीट के ऊपर से। चलिए निकलते हैं यहाँ से स्टूडियो से बाहर, अब 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 एंड अवे ये चले हम। तेज गति से उड़ता हुआ ये क्वाड कॉप्टर भारतवर्ष के ऊपर से और बादलों को चीरते हुए, मैं चाहता हूं कि क्वाड कॉप्टर जी आप हमें ले जाएं दिल्ली, राजधानी दिल्ली में, उस जगह जहां पर अब बैठेगा 17वीं लोकसभा का संसद। जी हां, ये है संसद भवन यानी पार्लियामेंट। कैसे बनता है पार्लियामेंट का रुझान, 2/3 बहुमत के साथ डंके की चोट पर अब यहाँ गरजेगा NDA, फिर एक बार मोदी सरकार। 353 सीटें हैं इनके पास और UPA के पास 92, बाकी अन्य जो हैं वो 97 सीटें हैं कुल मिलाकर। अब इनमें से कितने अब दल बदल कर मोदी सरकार के साथ जुड़ जाते हैं, NDA के साथ जुड़ जाते हैं, वो भी देखना पड़ेगा कि कहीं ये बढ़कर नंबर जो है, जब तक कि पहला संसद सदन 17वीं लोकसभा का बैठता है तब तक ये नंबर और बड़े होते हैं कि नहीं। लेकिन अब की बार 300 पार और 2/3 बहुमत से सरकार, इस दोनों उद्देश्य पर जनादेश जो इनको मिला है, भारी बहुमत मिला है, दोनों पर खरी उतरी है अमित शाह और उनकी टीम, मोदी नरेंद्र मोदी अमित शाह और उनकी टीम। चलिए क्वाड कॉप्टर जी, ये हो गया संसद का गठन, लोकसभा 17वीं का गठन, हम दरवाज़ा बंद करते हैं, वापस स्टूडियो की ओर चलते हैं। सोच लीजिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अब भारी बहुमत बहुत जल्द होगा मोदी सरकार के पास। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटों में कांग्रेस को केवल 2 सीट मिलने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि जनता ने उनके काम की बजाय राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट डाला। बघेल ने कहा कि पार्टी अपनी बैठकों में हार के कारणों की समीक्षा करेगी। हमने कहा था 60 दिन बनाम 60 महीना, लेकिन इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, न इस चुनौती को स्वीकार किया, न ही वो चुनाव लड़े, बल्कि 60 महीने की उपलब्धि की चर्चा उन्होंने नहीं की, वो तो केवल राष्ट्रवाद की बात करते रहे
और इस कारण से जनता ने उसे आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के रामपुर से चुनाव जीते समाजवादी पार्टी के आजम खान ने उम्मीद जताई कि नई सरकार सिर्फ कहेगी ही नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलेगी भी। बीजेपी की जय प्रदा को हराने के बाद आजम खान ने सलाह दी कि सरकार में बैठे लोग खुले दिल से सभी की मदद करेंगे। सिर्फ कहने से नहीं, सबको साथ लेकर चलने से ही देश का भला होगा। जो लोग बेरोजगार, ऐसी तमाम संस्थाओं को जिनसे छोटे आदमी का, आम आदमी का भला होता है, उन संस्थाओं को खतरे नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर से तालीमी इदारे, शैक्षिक संस्थाएं, जो माइनॉरिटी के लोग चलाते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी है। इस कामयाबी को बहुत भारीपन से लेना चाहिए, बड़े खुले मन से लेना चाहिए।